दोस्तों आज हम जानेंगे कोल्ड ड्रिंक्स प्रोवाइड करने वाली कंपनीज के बारे में, कौन सी ब्रांड किस देश की कंपनी है और इसकी स्थापना कब हुई है, जैसे कोका कोला, थम्सअप, लिमका, मजा आदि कंपनी। इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए जानते हैं, इस लिस्ट में सबसे पहले बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा सेल होने वाली कोल्ड ड्रिंक्स कोका कोला के बारे में। कोका कोला एक अमेरिकन कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर अटलांटा जॉर्जिया है। इसकी स्थापना आज से 138 साल पहले 1986 में डॉक्टर जॉन फेम्बर्टन ने किया था। कोका कोला इसके अलावा कई और ब्रांड्स के कोल्ड ड्रिंक्स को भी ऑन करती है, जैसे स्प्राइट जो कि लेमन फ्लेवर में होती है, फेंटा जो ऑरेंज फ्लेवर में होती है, माजा जो मैंगो फ्लेवर में होती है और लिमका जो लेमन फ्लेवर में होती है। यदि हम बात करें थम्सअप की तो वो 1993 तक भारतीय कंपनी थी, लेकिन इसे 1993 में कोका कोला ने टेक ओवर कर लिया और यह भी एक अमेरिकन कंपनी हो गई। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे आती है पेप्सी। पेप्सी पेप्सिको कंपनी की एक कोल्ड ड्रिंक्स ब्रांड है। पेप्सिको कंपनी पेप्सी के अलावा कई और प्रकार के कोल्ड ड्रिंक्स ब्रांड को ऑन करती है, जैसे मरिंडा जो कि ऑरेंज फ्लेवर में होती है, माउंटेन ड्यू जो कि लेमन फ्लेवर में होती है, सेवन अप ये भी लेमन फ्लेवर में होती है। 2020 में पेप्सिको ने स्टिंग एनर्जी को भी एक्वायर कर लिया। इससे पहले स्टिंग एनर्जी को रॉक स्टार कंपनी ऑन करती थी। पेप्सिको भी एक अमेरिकन कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के परचेज में है। इसकी स्थापना 1965 में क्लेब बर्धाम ने किया था। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।